तो कुशीनगर जिले की जितनी भी सीटें हैं उन पर क्या कहता है सियासी आंकड़ा, कौन कौन से प्रत्याशी किस किस पार्टी से, प्रीति ने बताया अभी। लेकिन यूपी का घमासान अब अपने अंतिम दौर में है, लिहाजा कोई भी दल कसर नहीं छोड़ना चाहता और लगता यह है कि बीजेपी नेताओं को थकान भी सताने लगी। तभी तो राजनाथ सिंह की जनसभा में सांसद हरिनारायण राजभर सोते नजर आए और अब जागे तो मुख्तार अंसारी को सिमी का एजेंट बता गए। ये चुनावी थकान है, नींद की कमी। राजनाथ के इंतजार में राजभर सो गए। ऐसा लग रहा था कि सांसद महोदय माथे पर हाथ रख कुछ मंथन कर रहे हैं, कुछ विवाद का गणित दिमाग में बिठा रहे हैं या फिर राजनाथ का स्वागत भाषण सोच रहे हैं। अब तक गहरी नींद में डूबे राजभर की तंद्रा टूटी तो मंच पर माहौल बनाने आ गए। राजनाथ के स्वागत में सिमी को ले आए और मऊ में मतदान से पहले विवाद का विधान लिख दिया। यहाँ माफिया यानी मुख्तार अंसारी माफिया डाल जो है यहाँ अपने बच्चों को भी भेज करके यहाँ स्थिति को बिगाड़ना चाहता है। मगर यहाँ सिमी के जोरदार प्रभाव है और अपने लड़कों को भी वो अपने आपराधिक प्रवृत्ति में इस्तेमाल कर रहा है। मानो जरा सा भी छूट मिल गया तो इस क्षेत्र के पूर्वांचल के किशोरों और नौजवानों को भी अपने गिरफ्त में लेने का स्थिति बना लिया है, जबकि वह डॉक्टरों से भी यानी इनको गुंडागर्दी शुल्क लेता है, यानी सारे अधिकारियों से ठीक अपने पक्ष में करवा करके यहाँ तक पीएम जेसवाई को भी अपने पक्ष में अपने चेहरे को ठेकेदारों को गिरफ्त देना चाहता है। मंच से मैदान तक इनका अतीत ही विवादों से सना हुआ रहा है। कई बार माहौल को गालियों से भी गुलजार कर चुके हैं, अब तालिबान की भी एंट्री इन्होंने करा दी। जाने कौन सा इनपुट था जो गृह मंत्री के बजाय हरिनारायण राजभर को मिला और राजनाथ सिंह के कान में बताने के बजाय मंच से सुनाने लगे। मुख्तार अंसारी सिमी का एजेंट है और मऊ को तालिबान बना देगा। तो हाँ, यह तालिबान बन जाएगा मालवा, यह घोसी मऊ जिला तालिबान बन जाएगा। मैं पूरे जिले के लोगों को मऊ के वासियों से अपील करूंगा कि इस बार मुख्तार और उनके बेटों के साथ यहाँ से भगाइए, इसी में यानी यहाँ के शांति वातावरण की गुंजाइश है। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा माननीय गृह मंत्री जी से कि इस तरह के माफिया यानी सीढ़ी के प्रभाव को यानी तरह के जेल में रहकर ये जो है शासन चलाता है, ये डर कराता है। मानव हरिनारायण राजभर का ये बयान बड़े सवाल खड़े करता है। गृह मंत्री के आने से पहले तक गहरी नींद में डूबे राजभर को सपने में ऐसी कौन सी सूचना मिल गई कि नींद खुलते ही सिमी का समीकरण बता दिया, या फिर विवाद के बगैर इनको सियासत का स्वाद नहीं आता। मऊ से समाचार प्लस के लिए रविंद्र सैनी की रिपोर्ट।